गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? बेटा, दिस इज शशि मैम हियर। दीपा मैम के साथ आपने ऑलरेडी कंसेप्ट इसका किया हुआ ना, नंबर सिस्टम का। यू स्टार्टेड दिस चैप्टर मैम के साथ, स्टार्ट किया था, और आपने क्वेश्चंस भी किए होंगे। मॉड्यूल 1 किया था मैम के साथ। रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग किया था ना आपने, एवरीबडी रिमेम्बर्स। तो आज हम उससे ही रिलेटेड, सेम टॉपिक से रिलेटेड आज हम एमसीक्यू करेंगे, ऑल राइट? क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, मैम के साथ आपने कंसेप्ट किया हुआ है ऑलरेडी, तो वही सेम टॉपिक का ही आज हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस करने हैं, और एक आधा वो स्टोरी सम्स करेंगे उससे रिलेटेड, ऑल राइट? तो लेट अस स्टार्ट मॉड्यूल 2। हाँ सबके पास है, प्लीज ओपन इट और अपनी नोटबुक भी खोल के रखो बेटा। कीप योर नोटबुक ऑल्सो विद यू सो दैट यू कैन डू लिटिल कैलकुलेशन। जो जो हमने जरूरत पड़ेगी हम करेंगे, ऑल राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू का, सिंप्लीफिकेशन। कैन यू सी द बोर्ड? यस फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैन यू सी हियर? प्लीज राइट डाउन, अपनी नोटबुक में भी लिख लीजिए यस क्वेश्चन। प्लीज राइट डाउन, राइट डाउन क्वेश्चन, इसको लिखो। सिंप्लीफिकेशन ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 40 देन 3 क्यूब रूट ऑफ 625 माइनस 4 क्यूब रूट ऑफ 320। ठीक है, अब आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में इसको सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है। जो आपको इसमें नंबर्स दिए हुए हैं रूट के अंदर, ये जो आपको स्क्वेयर रूट बने हुए हैं इनके अंदर जो नंबर्स दिए हुए हैं थोड़े से बिगर नंबर्स हैं, बड़े नंबर है, उसको हमने ब्रेक करना है बेसिकली, उनको छोटे नंबर्स में लेके आना है। आप देख रहे हो कि 40 एक छोटा नंबर है, और 40 की अगर हम ब्रेक करेंगे 2 पार्ट्स में, किसमें ब्रेक कर सकते हैं? आपको 40 तो पता ही है कौन से टेबल में आता है, एवरीबडी नोस, कैन आई आस्क? अदिति शर्मा ऑफ 9th A, हाउ टू ब्रेक 40? 40 को 2 पार्ट्स में कैसे ब्रेक करोगे? अगर मैं 40 का एलसीएम लूं, लेट मी टेक 40 का एलसीएम, हेलो यस, हु विल टेल मी? ओके अदिति शर्मा, यस, 20 9th A, 20 20, ओके। कैन यू से, या 2 से आपने बोला कि 20, वेरी गुड। फिर 2 से करेंगे 10 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 5 आएगा। ठीक है, आपको पता है इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं? फैक्टर्स का मतलब इसको ब्रेक कैसे करेंगे। आपको ओवरऑल भी पता है कि 40 को कैसे ब्रेक करते हैं, 8 5s of 40 करते हो ना ओवरऑली। अगर करना हो तो आपको पता है कि 5 के टेबल में 8 5s of 40 आता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब रूट ऑफ 40 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 5 into 8। फाइन, पहले समझ लो इसको अच्छे से, व्हाट वी आर डूइंग, इसका पर्पस क्या है, क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई कैसे करना है उसको समझ लो पहले। अब अदर नंबर है आपके पास 625, ठीक है, 625 थोड़ा सा बड़ा नंबर है। आपको इसमें दिख रहे हैं आपका जो यूनिट प्लेस है यहाँ पे 5 है, इसका मतलब वो 5 के टेबल में जाएगा। आपको पता है ना कि नीचे यूनिट प्लेस पे जब भी आपके पास 5 होता है तो 5 के टेबल से ऑफकोर्स वो जाता ही है। तो हम इसको फिर 5 के टेबल से करते हैं, इसका हम एलसीएम लेते हैं 5 के टेबल से। डू इट हियर, अपनी नोटबुक में लो, आप सबको करना आता है ये। 625, 625 के 5 से स्टार्ट करो, 125 वेरी गुड। 1, 5, 125 5 5 25, 125। अब 125 थोड़ा छोटा नंबर आ गया, इसका भी आपको बहुत इजीली पता है कि 5 के टेबल से करेंगे तो नीचे क्या आएगा, 25। आपकी तो 9th क्लास है, आपको पता ही है क्विकली, इसको 5 से करोगे तो 5 आ जाएगा। तो हमें बहुत अच्छे से इसके फैक्टर्स मिल गए हैं। वी हैव कम टू नो कि 625 को हम किसकी पावर लिख सकते हैं, 1 2 3 4, 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, 3, इसको हम लिख सकते हैं 5 into 125, ऐसे भी लिख सकते हैं 625 को। एनी डाउट इन दिस, इसको लिख सकते हो ऐसे? मैं अभी बताऊंगी कि मैंने 125 क्यों लिया और पूरा 5 की पावर 4 क्यों नहीं ली मैंने, मैं अभी बताऊंगी आपको। आप एलसीएम तो 5 4 आ रहा था, लेकिन मैंने ही अंदर यहाँ पे 5 को सेपरेट लिखा है, मैं उसका रीजन अभी बताऊंगी आपको वाई। ठीक है, नेक्स्ट करो 325, सॉरी 320, इसका फिर से हम क्यूब रूट लेते हैं, 320 बेटा लग रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा जब बिगर नंबर होता है तो उसका 0 कैंसिल कर दो, 0 को थोड़ा दूर लिख दो। तो 32 तो आपको पता ही है कैसे करते हैं, 8 4 32, ठीक है। तो फिर हम इसको
एट फोर से 32 लिख सकते हैं, 18 to 40 लिख सकते हो ना ऐसे। यस, ये वाला स्टेप मैंने करवाया फर्स्ट वाला, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमने सोचना कैसे है हमेशा। अगर आप लॉन्ग लॉन्ग एलसीएम लेते जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा उसमें, ठीक है बेटा। सो लाओ हाउ टू डू। अब आपको पता है कि जब पावर बाहर 1/3 होती है, जब ऐसे होता है रेज टू पावर स्क्वायर रूट के बाहर जब 3 होता है, इसका मतलब होता है कि 7 रेज टू पावर 1/3, पता है ना आपको सबको। यस, सो वी आर गोइंग टू राइट इट एज क्यूब रूट ऑफ रेज टू पावर 3। सबको पता है 8 को आई कैन राइट 2 to the 4 to the 8। यस और नो, लिख सकते हो ऐसे? यस। तो हमने कोशिश करनी है कि अंदर जो पावर है वो ऐसे नंबर आ जाए जिनकी पावर हम 3 लिख सकें, 5 into 5 raised to power 3। अभी हमने जब एलसीएम लिया था आपको मैंने बताया था कि 125 को अगर मैं देखूं तो 5 raised to power 3 लिख सकते हैं उसको। क्यों लिखा मैंने पूरा 5 क्यों नहीं यूज किया? हु विल टेल मी, कोई रीजन बताएगा? हर्षिता, 9th B class? या वेरी गुड, बिकॉज वी वांट आंसर इन द क्यूब रूट। एक्सीलेंट, बिकॉज बाहर क्यूब रूट है तो हमें उसे कैंसिल करना है। सबको समझ आ गया? प्लीज सिट डाउन। ठीक है, तो कैंसिल करने के लिए हमें 3 अंदर चाहिए था, इसलिए मैंने 5 को सेपरेट कर दिया और इधर पावर उसके 3 कर। 8 को आई कैन राइट 2 raised to power 3। ठीक है, तो मैंने सारे नंबर में कोशिश की कि मेरे पास 3 3 3 3 पावर आ जाए ताकि वो कैंसिल हो जाए, हमारा सिंपल बन जाए क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज क्लियर, फाइन। अभी हमारा काम है कि अंदर जो क्यूब रूट है उसको कैंसिल करना, तो हाउ वुड आई डू? और बाहर आपके पास 2 आ जाएगा, 2 into 2 cube root of 5 plus 5 cube root of 5 minus 4 into 40 cube root of 40। प्लीज इसको करो, आपको आते हैं सबको? यू वेरी गुड, या 2 and cube root of 40। दिस स्टेप इज क्लियर टू एवरीबडी? क्लियर? कोई डाउट है बेटा? या सी हियर, सबसे पहले हमने 40 को ब्रेक किया 5 into 8 में, यहाँ पे हमने 625 को ब्रेक किया 5 into 125 में, एलसीएम लेके हमें पता चला था। देन 320 को फिर हमने ब्रेक किया 8 into 40 में। ठीक है, पर कौन कौन से नंबर थे जिनका मैं क्यूब लिख सकती हूँ? यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 125 है, यहाँ पे 28 है, फिर से इज इट। तो मैंने क्या किया, 8 को 2 की पावर 3 लिख दिया, यहाँ पे 125 को 5 की पावर 3 लिख दिया, यहाँ पे 8 को हमने 2 raised to power 3 लिख दिया, फिर हमारे पास 40 बच गया। ठीक है, 40 को फिर तो यहाँ पे हम करेंगे 4 cube root of 5 plus 5 cube root of 5 minus 8 cube root of, अंदर मैं इसको लिख सकती हूँ 8 into 5, फिर से 40 को लिख सकते हैं दोबारा से 8 into 5। यस, ओके, तो फिर से हम दोबारा स्टेप रिपीट करेंगे, 4 cube root of 5 plus 8 8, ये वाली 8 को कैसे बाहर लेके आए? जब ये बाहर आएगा क्या बनेगा? ये मल्टीप्लाई बाय 2, ऊपर किया था ना आपने। व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 8 बेटा? ऊपर जो हमने कैलकुलेट किया 2, वेरी गुड, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिख लिया डायरेक्टली, अभी ऊपर हमने किया था सेम। ठीक है, तो कैन यू सी बेटा ये क्यूब रूट ऑफ 5 इज कॉमन इन ऑल, दिख रहा है आपको? यस, वी कैन टेक इट आउट कॉमन, 5 इज आउटसाइड द ब्रैकेट, अंदर आपके पास है 4 plus 5 minus 16। प्लीज कैलकुलेट, टेल मी क्या आएगा इसका आंसर? -5। ठीक है, करने के बाद रेज योर हैंड, जिसने कर लिया ही विल रेज रेज द हैंड एनी सेक्शन। ओके, सबको प्लस माइनस करना आता है ना? -7। प्लीज डू इट अगेन, एक सेकंड और लो, सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व करना है बेटे। 4 plus 5, व्हाट इज 4 plus 5? 9 minus 16, -7। या क्यूब रूट ऑफ 5, आपके पास यहाँ पे माइनस था ना बेटा, प्लस माइनस, या हाँ यहाँ पे 15 है बेटा, कैन यू सी यहाँ पे 15 है, ये 5 बाहर आया था, 3 भी इसके बाहर था, यहाँ पे ये वाला 3, यहाँ पे 15 है। ओके, दिस इज 15, प्लीज चेक योर नोटबुक्स बेटे, यहाँ पे 3 था ना बाहर आपके पास ऑलरेडी। यस, तो हमने अंदर से भी निकाला 3 minus 16, 3 cube root of 5। आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव? पॉजिटिव, वेरी गुड, तो कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है? बी। ओके, यू कैन सी इट, 3 cube root of 5 इज मैचिंग, तो ये आपका आंसर हो गया, बी को टिक मार्क कर लो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, इसको एक बार दोबारा भी ट्राई करना, थोड़ा सा लेंथी था ये क्वेश्चन, ठीक है, घर पे भी ट्राई करना कि हम कैसे इसको ब्रेक करते हैं एलसीएम या ओरल टेबल से। ओके, लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, हाउ टू डू, वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट, थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज 2 minus square root 3 को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखो आप इसके बेटे जब ऑप्शंस देखोगे ना, उन्होंने आंसर नहीं पूछा आपसे, कैलकुलेशन नहीं पूछी, उन्होंने पूछा सिर्फ कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है आंसर,
ठीक है, तो आपको आप लिख रहे हो एबीसीडी में डिमांड रैशनल, तो आपको सिर्फ ये बताना है कि उसका साइन कैसा है और वो उसकी पहचान कैसी है, रैशनल है या इरैशनल है। ओके बच्चे, कैलकुलेशन कैलकुलेशन नहीं करनी हमने, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना इसको। तो आपको कैसा नंबर लग रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये दोनों नंबर मैच कर रहे यस हैं दोनों ब्रैकेट्स में, दोनों सेम है इधर से, ये यस दोनों नंबर्स भी सेम है। यस बी, और इसको अगर मैं ए प्लस बी बोल दूं तो ये कोई जाना पहचान नहीं, आपको आइडेंटिटी लग रही है कुछ, आपने 8th क्लास में किया था इसके लिए इंट्रो। यस यस, हु विल टेल मी, लेट मी कॉल द नेम नाउ, एवरीबॉडी सेड यस। ईशा फ्रॉम 9th बी, कैन यू टेल मी बेटा ये कौन सी आइडेंटिटी है, इसका क्या मैम, आएगा आंसर सामने। यस 9th बी, एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम वी हैव डन द क्वेश्चन नंबर 3 बट नॉट क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम मॉड्यूल 2। क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव नॉट डन, इट इज मैम वी हैव नॉट डन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यही है बेटा। कौन सा है आपकी वर्कशीट में, कौन सा है, इट इज विच इज ग्रेटर वाला है। यस यस, उसको काट दो प्लीज, दीपा मैम ने बोला था इसको कट कर देंगे, नो नीड टू डू दिस कट क्वेश्चन, कर यू लें कैन कट इसको। इट। हाँ जी बच्चे इसको छोड़ दो, दीपा मैम ने जो वर्कशीट दी उसमें सेकंड क्वेश्चन आपका यही वाला जो अभी हम कर रहे हैं। ओके यू कैन लीव दैट, इसको कट करके इसको सेकंड नंबर डालो। ओके तो कौन एम एब्सेंट एब्सेंट, ओके राइट नो प्रॉब्लम। देन मानवी, मानवी देयर शिफ्टेड शिफ्टेड टू द अदर सेक्शन, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। हां ये मेरा पेन पेन, इट्स ओके बेटा, कौन से सेक्शन में एफ चली गई है वो, ओके एफ में चले गए, और ईशा इज एब्सेंट, ओके इट्स ओके नो प्रॉब्लम। देन कृति इज देयर, कृति स्क्वायर माइनस बी या स्क्वायर इज कमिंग, एक्सलेंट वेरी परफेक्ट, ए कृति ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, व्हाट इज ए हियर, ए मेरे पास है माइनस टू स्क्वायर रूट माइनस टू, और बी मेरे पास है स्क्वायर रूट थ्री, तो इसको मैं सॉल्व करके देखो किसका आंसर, पावर ऑफ फटाफट इसको, माइनस टू का स्क्वायर फोर आएगा, माइनस इसका क्या वैल्यू आएगा, स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर क्या आएगा, कौन बताएगा मेरे को, ओनली थ्री, या ये कट जाएगा, आपको पता है स्क्वायर रूट जो होता है स्क्वायर स्क्वायर से कट जाता है ना, तो इट विल बी फोर माइनस थ्री, फोर माइनस थ्री इज प्लस वन, पॉजिटिव रैशनल या फिर पॉजिटिव इरैशनल। रैशनल। एक्सेलेंट, सबको पता है कि ये रैशनल नंबर है तो इसलिए पॉजिटिव रैशनल, प्लीज इसको टिक मार्क करो बी पार्ट को, वेरी गुड। एनी प्रॉब्लम इन दिस बेटे, फाइन, लेट अस डू फर्दर क्वेश्चन, आपकी शायद इसमें फोर्थ होगा तो मेरा ये थर्ड है ना, इट्स ओके नो प्रॉब्लम, आपको पता चल गया अभी हम आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3.43, आपको पता है बीच में जो डॉट होता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यस यस सबको पता है, अब आप बड़ी क्लास में हो गए हो, एवरीबडी नोज, सो प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन बेटा, और जब आप नोटबुक में बेटा इसको लिखोगे थोड़ा सा दूर दूर लिखना, ठीक है थोड़ा थोड़ा दूर दूर लिखोगे, आपको क्लियरली एवरी नंबर दिखना चाहिए, 243, फाइन बेटे, अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जो नंबर्स हैं 3, 4, ये जो क्यूब रूट के अंदर है जो नंबर 3 और 3, ये तो ऑलरेडी छोटे ही हैं, अब 243 थोड़ा सा बड़ा नंबर है, जब भी हमारे पास 243 या 320 ऐसे बिगर नंबर आता है, ठीक है हमें उसे एलसीएम लेके उसको पहले तो फैक्टर्स बनाने होते हैं, वी हैव टू मेक फैक्टर्स, अदरवाइज हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो कहाँ स्टैंड करता है, बाहर से कैसे कैंसिल कर लें, कैसे प्रोडक्ट करें, हम विदाउट फैक्टराइजेशन उसको वहां से बाहर निकाल ही नहीं सकते हैं क्यूब रूट से। ओके बेटे, तो हम 243 का पहले एलसीएम लेंगे, एवरीबडी नोज हाउ टू टेक, प्लीज टेल मी 243 का एलसीएम, स्टार्ट इट, 3 पावर 4। एक्सीलेंट, हु सेड, प्लीज स्टैंड, आई वॉन्ट टू सी यू, किसने बताया आंसर, कैन आई सी, 9B, यस यस यू टोल्ड मी 3 रेज टू पावर 5, फाइव एक्सीलेंट, प्लीज क्लैप फॉर हिम, ही डिड इट सो फास्ट, कितना जल्दी से उसने बता दिया, वेरी नाइस, इट इज 3 रेज टू पावर 5, तो आई कैन राइट इट एज 3/4 root of 3, 12th root of 3 raised to power 5, ये अभी आपके पास बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर आ गया आपके सामने, क्या इंटरेस्टिंग आ गया, कौन बताने वाला है मेरे को, समथिंग इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इस स्टेप में आपको बहुत ही अच्छा कुछ दिख रहा है। कॉमन यस, कि 3 बन गया, सबके स्क्वायर रूट के अंदर 3 3 3 3 आ रहा है, तो हम इसको 3 की पावर बना सकते हैं, 3 raised to power 1/3, 3 raised to power 1/4, 3 raised to power 5/12, आप सबको पता है ये 5/12 कैसे आया, फाइव वाज इनसाइड एंड 12 वाज आउटसाइड, तो हम मैंने उसको कर दिया 5/12। ठीक है, नाउ अनदर इंटरेस्टिंग स्टेप जो आपने 8th में ऑलरेडी किया हुआ है, व्हाट इज दैट, बेस इज सेम, पावर्स आर टू बी एडेड,
एवरीबडी नोज यस, तो कर दो फिर इसको थ्री रेज टू पावर बेसिस सेम 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12, ये पूरा का पूरा पावर जो आपकी आ रही है वो सारी फ्रैक्शन में आ रही है, सारी पावर्स हमने ऐड कर दी बिकॉज बेस वॉज सेम। ठीक है बच्चे, यस वेरी गुड, सबको ऐड करना आता है बच्चे, आपको पता ही क्यों ऐसे ऐड कैसे करते हैं, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12 को कैसे ऐड करते हैं, एवरीबडी नोज यस, एलसीएम लेते हो ना पहले इसका, यस यस, यू ऑल्सो टेक इन योर नोटबुक, आप अपना करो मैं अपना करूंगी, देन यू कैन मैच फ्रॉम द बोर्ड कि आपका गलती कहाँ पे हुई है। 4 + 3 + 5 इट इज इक्वल टू 12/12 इट इज इक्वल टू 1, कितना इंटरेस्टिंग है, 3 की पावर 1 आ गई। जिसको नहीं आ रहा देखें सी हेयर कि कैसे आया 1, ये आपका रफ वर्क होगा, आपने एलसीएम निकाला फिर आपने न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर किया तो वो 12/12 था, व्हेन वी कट इट आंसर इज 1, तो 3 की पावर 1 आ गई, तो आंसर इज ओनली 3। इतना बड़ा हमारा क्वेश्चन था बट आंसर इज सो स्मॉल, इज इट, प्लीज नोट इट डाउन, Anybody has any doubt, beta? Okay. Shall we start next question? Yeah, question number 4. In your sheet, in my sheet it is 4. In your sheet it is 5, is it? This is very very important question. Aapki NCERT mein bhi bahut hai beta question aise wale. Okay? There are many questions of this type. So please do it very very carefully. Okay? This is very very important question we are going to do. See. Paul, write the question. √3 - 1/√3 + 1 is equal to a - b√3. This is the question. Can you see? This is given actually. They have said, if this all happens, then what? Then humne A or B ki values nikalni hai aur humne match karna hai ki kaun si value kisse match karti hai, what is the value of A, what is the value of B. Aapki NCERT mein jo books mein, NCERT books mein jo questions hai beta, usme hai ki find A and B. Have you seen this type of question? Yes. Okay. So, what to do in such question? This is very, very prominent question. 9th mein aise questions pakka aate hain. Okay. So, in questions mein, what to do? Jo hame given hai, ye pure ka pura jo equation hame given hai, isko humne use karna hai. Hamara question jo hai, wo idhar se hi start hoga. Okay. So, let us write down. √3 - 1/√3 + 1. मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, आई एम स्टार्टिंग द क्वेश्चन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ओके, एंड वन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर कि नीचे जो है डिनोमिनेटर में वेन एवर देर इज रैशनल नंबर, स्क्वायर रूट नंबर जब भी होता है डिनोमिनेटर में, वी हैव टू मेक इट रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। Okay, how to convert it into rational number? There is a term, we will rationalize it. Rationalize, rationalize matlab hum isko rational banayenge. You know this is irrational number denominator mein? Yes. We will make a rational number by multiplying and dividing by its opposite number. √3 - 1 इसको कंजुगेट बोलते हैं, कंजुगेट इज अ नंबर नेम जो आप थोड़ी हाई क्लासेस में पढ़ोगे, टेंथ में पढ़ोगे, कंजुगेट का मतलब कि हमने साइन चेंज कर दिया, होल नंबर इज सेम बट उसका साइन चेंज कर दिया, प्लस था तो माइनस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दिया, ओके, सो नाउ वी विल मल्टीप्लाई, विल मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर बाय न्यूमिरेटर, √3 - 1 होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में a प्लस बी, a माइनस बी,
So I can write it as a square minus b square. Any doubt in this step? No. You can ask me. This step is most important. अगर यहाँ गलती होगी तो आपको फिर आगे मुश्किल हो जाएगी, आपका आंसर मैच नहीं करेगा. Anybody wants to ask me anything from here? No. No, very good. यहाँ पे मैंने स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि दोनों सेम थे, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया. Yes. क्या था, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया. सो प्लीज ओपन इट, लेट अस सॉल्व इट. सबको सॉल्व करना आता है, इसको सॉल्व करके बताओ जरा क्विकली. एवरीबडी नोज हाउ टू डू. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इन द न्यूमिरेटर एंड इन डिनोमिनेटर वी विल गेट टू बिकॉज थ्री माइनस वन इज टू. एनी डाउट टिल हियर? इज इट क्लियर बच्चे यहां तक? यस, हमने सिर्फ फॉर्मूला लगाया, आइडेंटिटी लगाई है, ओके, एंड कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास आ गया. सो इट इज 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2. अगर मैं 2 कॉमन ले लूं ऊपर से, इट विल बी 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, जो कि ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर मेरे पास आ गया 2 माइनस स्क्वायर रूट 3. यस बेटा प्लीज रेज योर हैंड जिसको डाउट है, कोई भी स्टेप नहीं समझ आ रहा, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपके नाइन्थ में ऐसे क्वेश्चन पक्का आते हैं. यस प्लीज स्टैंड एंड आस्क. मैम, जो स्टेप अपने स्टार के बाद किए हैं वो जरा करोगे रिपीट? स्टार के बाद, यस वी हैव अप्लाइड आइडेंटिटी हियर बच्चे. आई एम राइटिंग इट हियर. आई हैव अप्लाइड आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. आइडेंटिटी लगाई है मैंने न्यूमिरेटर में और नीचे, सॉरी मैं आपको पहले ये बता दूं न्यूमिरेटर कैसे आया. जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो ये इसे कैंसिल हो गया, इट बिकेम 3 ओनली. वन स्क्वायर इज वन ओनली एंड माइनस 2ab एज इट इज रहेगा, क्योंकि उसके साथ स्क्वायर रूट 3 है, उसको मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ. एंड इन डिनोमिनेटर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 3 माइनस 1. Is it clear? Very good. So, अभी जो आपके पास आया 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, इसके आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते. जो लेफ्ट हैंड साइड मैंने स्टार्ट की थी उसके आगे मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ. तो आई विल स्टॉप इट हेयर. अब मैं इसको राइट हैंड साइड से कंपेयर करूंगी, ठीक है? जो हमारी राइट हैंड साइड थी यहाँ पे उससे कंपेयर करूंगी. इज इक्वल टू ए माइनस बी स्क्वायर रूट 3. जब मैं इससे कंपेयर करूंगी आई विल कम टू नो कि मेरे पास ए क्या चीज है और बी क्या चीज है, ठीक है? आई एम कंपेयरिंग दीज टू नंबर्स. ए की जगह मेरे पास क्या है यहाँ पे 2, एंड बी की जगह क्या है मेरे पास? बी की जगह ओनली 1, क्योंकि अंडर रूट 3 तो अंडर रूट 3 की जगह ही है, ये दोनों तो ऑलरेडी है ही है. बी की जगह क्या है? 1, विच इज हिडन, दिख नहीं रहा है मेरे को, बट वो अंडरस्टूड है. इज इट क्लियर? वन इज नॉट सीन, वन दिख नहीं रहा है इसमें. तो मेरे पास ए की जगह हो गया 2 और बी की जगह हो गया 1. तो कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है? ए ऑप्शन इज मैचिंग. ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 1. बेटे अभी आप थोड़ा सा बड़ी क्लास में हो गई हो ना, वन को ना थोड़ा, वन इज नॉट सीन, नो नीड टू राइट, वन हम जनरली लिखते नहीं है, तो अब वो हिडन होता है उसके अंदर. अगर मैं यहाँ पे लिखूं माइनस ए तो अंडरस्टूड है कि 1 इंटू माइनस ए है वो, प्लीज रिमेम्बर. और 1 एक नंबर है जिसको हम आंसर फॉर्म में लिख सकते हैं कि 1 इज एक नंबर है सेपरेट, जो दिख नहीं रहा है हमें, बट इट इज देयर. इज इट क्लियर? वेरी गुड. चलो वेरी गुड, ये क्वेश्चन हो गया आपके. एसर्शन एंड रीजनिंग तो मैम कह रहे थे कि आपने केस स्टडी करवाना है इनको, तो केस स्टडी के क्वेश्चंस करें पहले हम. टर्न द पेज. या दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आपने ऑलरेडी फॉर्मूलाज किए हुए हैं इसमें एंड यू विल कम टू नो हाउ टू डू. फर्स्ट क्वेश्चन,
प्लीज रीड द स्टेटमेंट. मैं स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ, आप पेन से या पेंसिल से जो भी आपके हाथ में, प्लीज उसको स्लोली स्लोली अंडरलाइन करना जो मैं आपको बताऊंगी. देयर इज अ रेक्टेंगुलर पार्क हुज लेंथ इज गिवन एंड ब्रेथ इज गिवन. ठीक है, वी विल पॉज हियर, अभी हम आगे नहीं पढ़ने वाले. सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस को आप समझो. व्हाट इज फर्स्ट सेंटेंस सेइंग? कि देयर इज अ रेक्टेंगुलर पार्क, उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दी हुई है. लेट अस राइट डाउन. लेंथ कितनी दी हुई है आपको? इट इज 4 square root 5 प्लस 3 square root 2 मीटर्स. ठीक है, ये पूरी आपको लेंथ मीटर्स में दी हुई है और इसी तरह आपको ब्रेथ भी दी हुई है. ब्रेथ कितनी दी हुई है? 5 square root 2, 5 square root 2 माइनस 3 square root 5. बेटा ये वाले क्वेश्चन ना बहुत स्लोली और बहुत कॉशियसली केयरफुली करने वाले हैं. क्यों? क्योंकि एक तो हमारे पास प्लस साइन माइनस साइन को केयरफुली देखना है और दूसरा हमें देखना है कि स्क्वायर रूट कौन से नंबर के ऊपर है. ओके, सो राइट द नंबर्स वेरी वेरी केयरफुली. तो हमारे रेक्टेंगल में हमें एल और बी ये दिया हुआ है. अभी नेक्स्ट दे आर सेइंग, नेक्स्ट लाइन, देयर इज अ स्क्वायर प्लॉट. अभी एक और स्क्वायर फिगर है हमारे पास. ठीक है, स्क्वायर में आपको पता है ऑल साइड्स आर सेम. एवरीबडी नोज? यस यस. तो इसमें एक ही लेंथ दी हुई है हमें, एक ही इसकी साइड दी हुई है. एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 3. ठीक है, स्क्वायर का तो हमें एक ही साइड काफी है, वी नो एवरीथिंग. हम एरिया भी निकाल सकते हैं, पैरीमीटर भी निकाल सकते हैं, उसका डायगनल भी निकाल सकते हैं. ओके, वी डोंट रिक्वायर एनीथिंग एल्स. स्क्वायर में एक ही चीज पता है, उसकी लेंथ पता है, तो वी कैन फाइंड एवरीथिंग. ओके बच्चे, सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दिस इन्फॉर्मेशन. सिर्फ हमें इतनी सी इन्फॉर्मेशन दी है कि रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ है और स्क्वायर की हमारे पास लेंथ है. सिर्फ ये ऑप्शन हमें क्या रिक्वायर इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो हमने इन्हीं के बेस पे आगे क्वेश्चंस करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क? हु विल टेल मी पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का फॉर्मूला क्या है? नाइन्थ एफ कैन आई आस्क? हर्षप्रीत कौर? I'm shifted. What is the shifted? Okay, which section? I'm D. B section. Okay. So B से बता दो. B, are you there, बच्चे? I'm D. D section. D section. Okay. D D. It's okay. So D section में बैठे हैं हर्ष हर्षप्रीत कौर. Are you sitting in D section? Yes, she is sitting here. Please tell me. Can you tell me what is the perimeter of rectangular park? Tell me only formula. Only formula. No calculation. We will do that later. First is perimeter of rectangle. Perimeter of rectangle. 2 into length plus breadth. Excellent. 2 into length plus breadth. See, this formula you did in 7th also, 8th also, and now also you are doing. ठीक है? तो हमें सिर्फ formula ठीक लगाना है, उसके बाद तो simple values put करनी है. तो इसकी values put करो, 2 into L. अब L किसकी लगाओगे, rectangle की या square की? Rectangle की, because they are asking about rectangle. ठीक है? L की 4 square root 5 plus 3 square root 2 plus, ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक, plus b 5 square root 2 minus 3 square root 5. सबके वैल्यू लगा दी हमने, l की जगह l की और b की जगह b की. प्लीज रिमेंबर, अभी तक हमने जब हमने वैल्यूज लगानी है ना बेटा l और b की, वी हैव टू पुट देम इन ब्रैकेट ओनली. ये पूरा का पूरा L है और ये पूरा का पूरा B है. ओके, फर्स्ट स्टेप में वी हैव टू पुट देम इन ब्रैकेट एंड द नेक्स्ट स्टेप वी विल ओपन द ब्रैकेट. यस मैम. व्हाई? बिकॉज हमारी साइन की मिस्टेक ना हो जाए कहीं, इसलिए. फाइन, सो लेट अस ओपन इट. 2, अब मैं इसको खोल सकती हूँ. 4 square root 5 प्लस 3 square root 2 प्लस 5 square root 2 माइनस 3 square root 5. अब मैंने छोटी वाली ब्रैकेट जो थी अंदर से स्मॉल ब्रैकेट को ओपन कर दिया एंड ऑल द साइंस आर ओपन इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, अभी मेरे को मैच करना है कि कौन सी नंबर किससे मैच कर रहा है. कैन यू टेल मी?
जो बाहर वाला टू है उसको एज इट इज रहने दो. कैन यू सी स्क्वायर रूट फाइव ये दोनों मैच कर रहे हैं? यस. यस, सो व्हाट इट विल बी, फोर स्क्वायर रूट फाइव माइनस थ्री स्क्वायर रूट फाइव क्या होगा? अंडर रूट फाइव, ओनली अंडर रूट फाइव. सो आई कैन राइट इट एज अंडर रूट फाइव ओनली, क्योंकि वन इज हिडन. आई टोल्ड यू वन इज हिडन, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है. इज इट ओके? नाउ आर दे मैचिंग? ये दोनों मैच कर रहे हैं ये दोनों? यस यस, दोनों के साथ स्क्वायर रूट टू लिखा है, तो वी कैन एड इट. थ्री प्लस फाइव इज एट स्क्वायर रूट टू. आई कैन मल्टीप्लाई इट वेरी इजिली. नाउ आई कैन नाउ ओपन द ब्रैकेट, और अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन में यही आंसर मैच कर रहा है तो इसको खोलने की जरूरत नहीं है. तो प्लीज सी द ऑप्शंस ए बी सी एंड डी मैच कर रहे हैं किसी से. ये सी इज मैचिंग विद सी, सी में वो एज इट इज ही आंसर है, सेम का सेम. देन यू कैन टिक मार्क सी. एनी डाउट इन दिस? नो. वेरी गुड. जिसको फॉर्मूला आता है एरिया का, पैरामीटर का, तो कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती, बिकॉज बाकी तो सब सिंपल ही है. चलो सेकंड क्वेश्चन. बेटा आर यू नोटिंग? आपको नोट करना है, शैल आई वेट फॉर यू? कैन यू रिपीट दिस? या सी, पैरामीटर का सबसे पहले बेटे आपको फॉर्मूला लगाना है, टू एल प्लस बी. ओके, देन वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एल. एल की वैल्यू थी हमारे पास ये, तो L की जगह मैंने पूरा का पूरा L लिख दिया और उसको स्मॉल ब्रैकेट में डाल दिया. प्लस B, B की वैल्यू, फिर हमारे पास ये पूरी की पूरी स्मॉल ब्रैकेट थी, मैंने एज इट इज उसको स्मॉल ब्रैकेट को लिख लिया बस वहां पे. ठीक है, L की जगह मैंने L की वैल्यू डाल दी, B की जगह B की वैल्यू डाल दी, एंड टू जो बाहर था उसको बाहर ही रहने देना हमने. मैंने इसलिए ये बिगर ब्रैकेट डाली है ताकि वो टू सेपरेट रहे, क्योंकि अंदर अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा क्राउड हो गया है अभी नंबर्स का. ठीक है, फिर हमने क्या करना है, दोनों को प्लस करना है. प्लस करने का मतलब हमने अभी ब्रैकेट खोलनी है और उनको लिखना है प्रॉपर फॉर्म में. ये हमने नंबर फोर स्क्वायर रूट फाइव, थ्री स्क्वायर रूट फाइव, फाइव स्क्वायर रूट टू, माइनस थ्री स्क्वायर रूट फाइव, एज इट इज लिख दिया मैंने सबको, कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ मैंने ब्रैकेट खोल ली है इस स्टेप में. इज इट क्लियर टिल हियर? यहाँ तक ठीक है? Yes. सिर्फ हमने ब्रैकेट खोली. अब हमने देखा है कि अब ब्रैकेट में जो मैंने खोली थी अब उसमें मैच क्या कर रहा है, कौन से नंबर हैं जिनको मैं इकट्ठा लिख सकती हूँ. प्लीज रिमेम्बर वन थिंग बेटा, कि जो आपके पास स्क्वायर रूट फाइव, स्क्वायर रूट थ्री, स्क्वायर रूट टू नंबर जो हैं जिनको आप खोल नहीं सकते, उनको एक्स की तरह ट्रीट करो, ट्रीट देम एज वेरिएबल. आप ये सोचो कि वो एक्स की वैल्यू है, उसको मैं कुछ कर तो सकते नहीं हूँ, बस उसको टू के साथ ज्वाइन करना है, मेरे को टू एक्स लिखना है. ओके, तो अब आप देख रहे हो कि स्क्वायर रूट फाइव इसके साथ भी है और इसके साथ भी है. फोर स्क्वायर रूट फाइव माइनस थ्री स्क्वायर रूट फाइव, स्क्वायर रूट फाइव, वन स्क्वायर रूट फाइव, तो मैंने ओनली स्क्वायर रूट फाइव लिख दिया. ओके, देन हेयर ऑल्सो स्क्वायर रूट टू एंड स्क्वायर रूट टू दोनों के साथ है. मैंने आपको बोला था इसको एक्स की तरह ट्रीट करो, जैसे आप छोटी क्लासेस में एक्स करते थे. थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स क्या होता है? वट इज थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स? एट एक्स. तो सिमिलरली एट इंटू स्क्वायर रूट टू. Is it clear? Yes. Okay. Now, which option is matching? C. C is matching. So we can tick mark C. Is it clear, bachche? Yes. Yeah. Second question. What is the perimeter of square plot? अभी ये पहले rectangle का था, अभी square का है. Perimeter of square. Perimeter of square क्या होता है बेटा? कौन बताने वाला है मेरे को? This is very very simple. Mannad, 9F. Are you there? Yes. Can you tell me what is the perimeter of square? 4 into side. 4 into side. Excellent. 4 into side. Yeah, 4 into L. Kuch bhi bol do. 4 into L. 4 into side. Abhi square ki side kya thi hamare paas? Uski value dalo yahan pe. Square root 6 minus square root 3. अब हमने प्लीज रिमेम्बर, अभी हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर की लेंथ यूज करनी है हमने, रेक्टेंगल को नहीं देखना. इज इट क्लियर? यस यस. अभी क्योंकि आप एमसीक्यू कर रहे हो,
अब आपको ये देखना है कि आपको खोलने की जरूरत है या आपके ऑप्शन में यही मैच कर रहा है एज इट इज. एज इट इज मैच कर रहा है. यू नीड नॉट ओपन द ब्रैकेट. तो कौन सी ऑप्शन इज मैचिंग? ए. एक्सलेंट. दिस इज वेरी वेरी सिंपल. प्लीज टिक मार्क ए. वेरी गुड. नेक्स्ट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल आई वॉन्ट टू आस्क सम बॉय हर्ष 9th ई. आर यू देयर? यस यस शिफ्टेड. ओके नो प्रॉब्लम. विच सेक्शन ही हैज गॉन? ओके देन कैन आई आस्क दिलजीत सिंह? दिलजीत सिंह कैन यू टेल मी व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? या प्लीज कम. आपने ऑलरेडी किया हुआ है, 7th में भी किया है, 8th में भी किया है. जस्ट टेल मी द फॉर्मूला, दैट्स इट. इट्स नॉट हियर. What is area of rectangle? 9th F mein I can see one child is coming. Yes. 9th E. If you are there, beta, please tell me. Bata do mereko formula. Yes, very good. Length into breadth. L into B. Length into breadth. Very good. So, yeah, you can write it as L into B. Simple. Simple, humne two brackets ko multiply karna hai. To inki values dal di abhi hum. 4 square root 5 multiply minus. Iski values dalni hai bas humne directly. 4 square root 5 plus 3 square root 2. ये पूरा का पूरा आपके पास L है. First bracket आपकी L है. And second bracket is breadth. That is 5 square root 2 minus 3 square root 5. L की जगह L की value डाली है और B की जगह B की value डाली है. And you know how to multiply two brackets? First, we will multiply this number by the whole bracket. I can write it as 4 square root 5. को दूसरी bracket से multiply करेंगे. फिर हम 3 square root 2 को दूसरी bracket से multiply करेंगे. First, understand this for this step, beta. This is wrong हो जाएगा. Any doubt in this step, beta? No. You know how to open the bracket, है ना? Yeah. First number multiply by second bracket. The second number multiply by second bracket. Let us open it. पूरी bracket को खोलो. I can write it as 4 5s are 20, square root 5 into square root 2, square root 10. Yes. Any doubt in this? आपको पता है multiply कैसे करते हैं? Very good. You also do in your notebook. Multiply करो and check from my board. आपका match कर रहा है answer या नहीं? 4 3s are 12 into square root 5 is 5. मेरी first bracket खत्म हो गई. क्योंकि मैंने 4 को 4 square root 5 को अंदर multiply कर लिया. Alright? Similarly ये अगर हम इसको करेंगे 3 5s are 15, 15 into 2. कौन बताएगा ये 2 कहां से आया? Please raise your hand. 9th B, any student, कोई भी खड़ा होके बता दे. From boys, I want to hear from boys. How this square, this 2 has come? Very good. From under root. Under root 2 into under root 2 is 2. Yes, very good. We sit down. Minus 3 3s are 9, square root 10. ठीक है? Now I'm multiplying. पूरी की पूरी ब्रैकेट को हमने अभी हमने ब्रैकेट खोलनी है बेसिकली. ओके सो लेट अस ओपन द ब्रैकेट. 20 स्क्वायर रूट 10 माइनस 69 स्क्वायर रूट 10. वी हैव जस्ट ओपन द ब्रैकेट्स. दोनों ब्रैकेट्स खोल देनी है सिंपली. ठीक है? आपको मैंने बताया था कि जो स्क्वायर रूट वाली टर्म होती है उसको एक्स की तरह ट्रीट करो. सोचो कि वो वेरिएबल है. ठीक है? ये भी स्क्वायर रूट 10 है, वो भी स्क्वायर रूट 10 है. तो ये हुआ 20x माइनस 9x. 20x minus 9x. 11 again. 7, yeah. It will be 11 square root 10 minus 30. Simple. कितनी easy calculation थी, oral calculation थी आपकी? Can you repeat the calculation? Yes. I will repeat this step, beta. You want to understand from here? See, it is 20 square root 10 from starting. Okay. Everybody look here. I'm repeating the question. Your question was find the area of rectangle. Area of rectangle का सबसे पहले हमने formula लगाया था L into B. Okay? L की जगह हमने first bracket डाल दी. As it is,
जो गिवन था, और बी की जगह हमने सेट, वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू ब्रैकेट्स. ओके, जब हमने मल्टीप्लाई करना है दोनों ब्रैकेट्स को, तो आपको पता है कि जो फर्स्ट नंबर है 4√5, उसको पूरी की पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, प्लस जो सेकेंड नंबर है फिर उसको हमने दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना. ठीक है, तो वी नोट इन दिस वे, हमने ऐसे लिखा इस स्टेप में, 3√2 को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया. अब जब मल्टीप्लाई करना है तो हमने देखना है कि जो जो आपके स्क्वायर रूट नंबर है, जैसे √5 × √2 है, वो हो गया आपके पास 10, √10. ठीक है, 4 × 5 सिंपल नंबर है, वो रैशनल नंबर है, कोई उनके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है. 4 × 5 = 20, √5 × √2 इज √10. दिस इज क्लियर. 3 = 12, √5 × √5 ओनली 5, इसलिए मैंने स्क्वायर रूट को लिखा ही नहीं वहां पे. सिमिलरली यहाँ पे 3 × 5 = 15, √2 × √2 ओनली 2, स्क्वायर रूट खत्म हो गया है ना. देन प्लस इंटू माइनस, माइनस अगेन 10, √10. ठीक है, अब आपको जब हमने खोल दिया पूरा ब्रैकेट तो ये इस फॉर्म में आ गया, ये वाला स्टेप आपका आ गया कि मैंने सिर्फ ब्रैकेट रिमूव किया और मैंने कुछ भी नहीं किया इस स्टेप में, कोई साइन नहीं चेंज करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने ब्रैकेट को खोला है, उसको सिंप्लीफाई. 60 और प्लस 30 हमारे पास माइनस 30 बन गया, और 20√10 माइनस 9√10 आपके पास 11√10 बन गया. ओके बच्चे, मैंने आपको बताया था कि जो स्क्वायर रूट वाला नंबर होता है, अगर मेरे पास 2√10 है प्लस 5√10 है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 7√10. जैसे आप x को वाले क्वेश्चंस करते थे ना, 2x + 5x = 7x, वैसे ही करना है इसको, नहीं होता ऐड, नहीं होता किसी के साथ, तो उसको हमें एज इट इज लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो आपकी कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है इसके साथ, ए बी सी या डी? बी, बी इज मैचिंग, प्लीज टिक मार्क बी. वेरी गुड. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आई एम गिविंग यू फॉर होमवर्क, दिस इज वेरी वेरी सिंपल. एरिया ऑफ स्क्वायर, एवरीबॉडी नोज व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर? एरिया ऑफ स्क्वायर सबको पता है क्या होता है, ये साइड इनटू स्क्वायर. यस, साइड स्क्वायर, एल इनटू एल. ठीक है, एल इनटू एल, तो इसकी जब आप वैल्यू निकालोगे मल्टीप्लाई करके, तो इसकी आई गिव यू अ हिंट, इसका आंसर आएगा डी. ए और बी दोनों इसके आंसर आ सकते हैं, तो प्लीज ट्राई एट होम. ठीक है, फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क है, नेक्स्ट पार्ट मैं अभी करवा रही हूँ आपको. ओके, अभी टेल मी, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ पार्क एंड प्लॉट, है ये आपके वर्कशीट में क्वेश्चन? प्लीज इसको कट कर दो. दीपा मैम टोल्ड कि नो नीड टू डू दिस क्वेश्चन, यू कैन कट इट, वी आर डूइंग द लास्ट पार्ट नाउ. व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगनल फॉर अ स्क्वायर प्लॉट? ठीक है, अभी हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगनल? लेंथ ऑफ डायगनल क्या होता है बेटा? डायगनल ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? हु विल टेल मी? पता है आपको? सपोज ये स्क्वायर है आपके पास, ठीक है, इसके अंदर डायगनल्स है, ये वाला टू डायगनल्स होता है. ये बहुत पिक्यूलियर सा बेटा फॉर्मूला है, ये आप हार्डली यूज करते हो कभी, जनरली ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते. एल इंटू √2 इंटू साइड, इसका आंसर है √2 इंटू साइड. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, अगर आपको नहीं पता यू कैन राइट डाउन, क्योंकि ये हार्डली कोई एक आधा क्वेश्चन ही होता है एक्सरसाइज के अंदर डायगनल वाला. जनरली आता है व्हाट इज साइड? √2 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर. साइड ऑफ स्क्वायर क्या दी हुई थी हमें? √6 माइनस √3. अब रेक्टेंगल की साइड्स को नहीं देखना, सिर्फ हमने स्क्वायर की साइड को देखना है, क्योंकि हमारा स्क्वायर वाला क्वेश्चन है. ओके, तो प्लीज लेट अस ओपन द ब्रैकेट. जब हम स्क्वायर रूट के टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक ही स्क्वायर रूट के अंदर आ जाते हैं, पता है आपको? 6 × 12 माइनस 2 × 3 = 6, √6. ये तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है ना, इजी टू पुट, इजी टू कैलकुलेट. और कुछ करना है इसमें बेटे? एनीथिंग यू यू कैन डू हियर? नो. तो प्लीज मैच द आंसर्स. ऑप्शन ए, ए, यू कैन सी वेरी क्लियरली ए ऑप्शन इससे मैच कर रही है, सो ए इज द आंसर. प्लीज टिक मार्क इट. दिस क्वेश्चन वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इज इट इट? यू लाइक दैट और नॉट? यस. फॉर्मूला वाज वेरी सिंपल, जो आपने ऑलरेडी किया हुआ था. ओनली थिंग इज कि हमने इनको स्क्वायर रूट नंबर्स को डील किया, कभी हमने प्लस किया, कभी माइनस किया, कभी प्रोडक्ट किया. और मैंने आपको बताया कि जब स्क्वायर रूट नंबर्स हैं तो उनको एक्स की तरह ट्रीट करो, वेरिएबल की तरह ट्रीट करो, फिर आपकी कभी कोई गलती नहीं होगी. सोचो कि एक वेरिएबल है वो, समझ आ गई? एनी डाउट इन दिस वर्कशीट बेटा? ओके बच्चे, गुड डे, थैंक्स एवरीबॉडी, थैंक यू, बाय बाय. बाय बाय.